फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा जो बेटा है 4.5 साल का है, वो स्कूल से आया और उसे होमवर्क मिले थे। बड़े बड़े कॉलम्स थे, उसमें एडिशन करना था। वो आया और उसे होमवर्क मिलता है तो टेंशन मुझे हो जाता है, पेरेंट्स को टेंशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर होमवर्क आप फिनिश करके ना भिजवाओ तो फिर पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग होता है उसमें पेरेंट्स की जो खिंचाई करते हैं। तो होमवर्क उसे मिलता है, टेंशन हमें होता है, उसे कुछ टेंशन नहीं होता क्योंकि उसको होमवर्क करना ही नहीं है, राइट? उसे क्या चाहिए? उसे कैप्टन अमेरिका का वो शील्ड चाहिए, उसे स्पाइडरमैन का वो मास्क चाहिए, स्पाइडरमैन का सूट चाहिए। वो तो भाई सुपर हीरो की दुनिया में गुम है। बाकी उसके जो टेंशन लेना है ना, उसके पापा उसका जो है वो टेंशन ले सके। एनीवेज, तो देखिए, अब ऐसा सिचुएशन है कि होमवर्क मिला है, उसे होमवर्क करने का मन नहीं है, लेकिन होमवर्क तो करना है नेक्स्ट डे। तो क्या करें, कैसे होमवर्क हो सकता है? इसी तरीके से क्लास, बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा होता होगा कि किसी कारण से आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आपका जो एग्जाम है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो आएगा ही आएगा, और उस एग्जाम और आज के बीच में जो टाइम है वो धीरे 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 घटता जा रहा है। और जो नॉलेज आपको चाहिए एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, उसके लिए एक अमाउंट ऑफ टाइम तो चाहिए ही। आप हो सकता है ज्यादा स्मार्ट है, आप ज्यादा क्विक लर्नर है, आप हो सकता है एवरेज क्विक लर्नर है, एवरेज लर्नर है, आप हो सकता है कि थोड़ा स्लो लर्नर है, दैट डजंट मैटर, करेक्ट? आप बहुत ही ज्यादा क्विक लर्नर भी हैं, फिर भी एक अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट, एक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? तो ऐसा होता है, और बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम जो है, हमें मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का। हमें पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, बट थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है बिकॉज थका हुआ लग रहा है। कभी मूड ऑफ है बिकॉज किसी ने कुछ बोल दिया, मूड ऑफ है, अभी बाद में मैं देख लेता हूँ, अभी मेरे को नहीं चाहिए। कभी कभी हमें फन चाहिए तो हमें बोलते हैं कि जरा टीवी एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक लेकर के मैं कर लूंगा। कभी कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो पसंद है हमें। बहुत बार ऐसा होता है क्लास कि हमें पढ़ना है और हमें पता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन वो मन नहीं कर रहा है तो हम पढ़ते नहीं है, और किसी ना किसी तरीके से समय तो ऐसे ही निकल जाता है, यूं निकल जाता है। तो कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें जब मन नहीं कर रहा हो तो पढ़ाई कैसे करें, राइट? ये सेम सिचुएशन है, मेरे बेटे को मन नहीं कर रहा है होमवर्क करने का, हमें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। और इवन जनरल लाइफ में अगर आप देखें तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीजें जो अच्छी है हमारे लिए, एक्सरसाइज अच्छा है। हम 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर करते, इस बार तो मैं एक अपने आप को जो है थोड़ा सा जो है हेल्दी रखूंगा, और थोड़ा शुरू करते हैं। बाद में मतलब गारंटी के साथ 5 से 10 दिन नहीं होता, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ बहाने आ जाते हैं कि सुबह तो ऐसा हो जाता है, सुबह तो ऐसा हो जाता है, ये ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, कुछ भी कह के जो हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो कैसे करें वो काम जो हमें पता है कि हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए अच्छा है, हमें करना इंपॉर्टेंट है उस चीज को, लेकिन मन नहीं कर रहा है, दिमाग जो है, माइंड जो है भाग रहा है। छोटा सा इंसान हूं, लेकिन अगर आप भगवत गीता की बात करें तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि भाई मन बहुत चंचल होता है, करेक्ट? यहां पे भी मन बड़ा चंचल है बिकॉज वो चीज करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो फिर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। लेकिन कैसे काबू में लाएं उस मन को ताकि थोड़ा हेल्दी तरीके से सही दिशा में थोड़ा काम कर सके, तो ये देखिए, एक मैं आपको बताता हूं, एक स्ट्रैटेजी, ये ट्रिक या टिप कह लीजिए, स्ट्रैटेजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। मेरे बेटे ने होमवर्क बनाया और उसने होमवर्क उसी समय बनाया जब मेरे से बातचीत शुरू हुई। और आप भी पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे, उतना ही नहीं, मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडी। और मैंने इस पर्टिकुलर चीज को, स्ट्रेटेजी को बहुत बार इस्तेमाल किया, जब मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ऐसा होता था कि मन नहीं कर रहा लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना है। एक एकदम वर्केबल स्ट्रेटेजी बताता हूं। तो देखिए, हुआ यूं कि मेरे सन को मिला था 10 कॉलम्स, बड़े 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 कॉलम्स मिले थे, वो पहाड़ है भाई, 10 कॉलम्स इतना सारा कौन करेगा बैठ करके। तो मैंने क्या बात किया उससे, मैंने कहा कि बॉस देखो, पूरा तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहा है यार, इतना सारा होमवर्क कौन करने वाला है, ठीक है? अपन ऐसा करते हैं कि सिर्फ 5 जो दिया है ना फर्स्ट कॉलम में, सिर्फ ऊपर वाले जो 5 है ना, वो बड़ा इजी से है, उसको बस फिटिंग कर लेते हैं, फिर अपन खेलते रहेंगे। मेरे सन को जो है ये लगा कि यार ये तो बहुत ही इजी सा प्रपोजल है, इसमें क्या है करके, तो उसने 5 फटाफट कर दिया। फिर जब हमने देखा उस शीट को साथ में, बोला यार 500 कर दिया, ये थोड़े से बचेगा इस लाइन में, इसे क्या करना है, इसको क्यों छोड़ना है यार, इसको भी कर देते हैं। दैट इज ट्रू, इसको क्यों छोड़ना है, तो उसने वो भी कर दिया। मैंने कहा यार तुम तो बहुत फास्ट हो, एक लाइन तो यही सही कर दिया तुमने, बस दूसरे लाइन को क्या करना है, क्यों छोड़ना है दूसरे लाइन को। तो
तो उसे लगा कि हाँ इतना डिफिकल्ट तो नहीं था यार। दूसरा लाइन यूं 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 करते करते होमवर्क। अब बोला कि तो बच्चे केस में चलता है, ऐसा नहीं है बच्चे केस में नहीं चलता है, बच्चे केस में सिर्फ ही सिर्फ चलता है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, काम जब बड़ा लगता है ना तब वो जो है दिमाग भागता है, लेकिन काम जब छोटा और आसान लगता है तो दिमाग नहीं भागता है, ब्रेन नहीं भागता है। आपके लिए मैं ये बताता हूँ और गारंटी से बताता हूँ कि जब पढ़ने का मन ना करे तो, और जो भी पढ़ना आपके टाइम टेबल के हिसाब से, आप बोलो कि यार मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे पता है मैं पढ़ूंगा भी, ठीक है, बट मैं एक छोटा सा टॉपिक देख लेता हूँ, क्या बोल क्या रहा है यार वो, थोड़ा सा देख लेता हूँ ना, उसके बाद जो करना मैं करूंगा, टीवी देखना उसके बाद देख लूंगा, फ्रेंड से बात करना उसके बाद कर लूंगा, फेसबुक चेक करना, व्हाट्सएप करना, जो भी करना बात कर लूंगा, बस एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, बस एक पेज, हाफ पेज यार, हाफ पेज देख लेता हूँ। आप जाओगे बैठोगे हाफ पेज देखने के लिए, हाफ पेज जब देखोगे तो आपके माइंड को आइडिया आने शुरू हो जाएंगे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ओके एक बार और देख लेता हूँ क्या है। एक पेज फिनिश, एक पेज के बाद दूसरा पेज भी फिनिश हो जाएगा, फिर तीसरा पेज भी फिनिश हो जाएगा, फिर आप घूमोगे यार ये चैप्टर उतना बड़ा तो नहीं है यार, कर लेते हैं क्या है। यूं करते करते आपका जो माइंड है उसको कन्विंस हो जाएगा कि यार इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, फालतू में मैं भाग रहा था, अचानक से फिनिश कर देंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन में फील होगा कि बॉस मेरे को तो मन नहीं कर रहा था फिर भी मैंने फिनिश कर दिया, ऑसम। ठीक है, तो क्लास ये जो एडवाइस है आप एब्सोल्युटली फॉलो करके देखिए, 100% ये एडवाइस वर्क करेगा और आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके स्टडी पैटर्न को, आपके कोर्स सिलेबस जो कंप्लीट करना है उसको जो है ये 100% जो है हेल्प करेगा। और ये जो एडवाइस है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करना है मॉर्निंग में, तो कभी 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 भी जो है आपको बहुत बार होता है कि वो प्रॉमिस आप अपने आप से रख नहीं पाते, वहां भी ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिए कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है बॉस, मैं बस जाकर के एक राउंड मार के आ जाता हूँ, बस उतना तो कमिटमेंट अपने साथ कर सकता हूँ, मैं उठूं अपने शूज पहनूं एक राउंड मार के मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस मन नहीं करेगा नहीं करूंगा ना। और आप देखना क्लास, एक बार बाहर निकलोगे ना तो अपना जो मन है ना, एक चलो यार रात हो गया, एक बार पुशअप राउंड कर लेते शुरू, उसके बाद राइट यू विल बी सरप्राइज हाउ मच इफेक्टिव एंड हाउ मच डिसिप्लिन दिस थिंग कैन गिव इन योर लाइफ। ओके, तो मेरे बेटे ने होमवर्क अच्छे से बनाया है, आई वॉज एब्सोल्युटली प्राउड दैट, एंड आई होप कि आप जो है इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे और अपने कोर्स को जो है आप कंप्लीट करेंगे, एंड आई विल बी प्राउड फॉर यू टू। ऑलराइट, तो अगर ये एडवाइस जो है आपके लाइफ में काम करता है तो कभी आकर के अपने एक्सपीरियंस को इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट डाल दीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, मेरी बात हो रही थी कि भाई एब्सोल्युटली अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, सक्सेस अगर पाना है तो किस किस चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ एक अच्छे टीचर का, बहुत ही सिंसियर टीचर का जो कि चाहे कि बच्चे को, सब बच्चे को जो है मैं एकदम एब्सोल्युटली स्मार्ट बना दूं, सिर्फ उतना ही सफिशियंट है, या तो कुछ और भी चाहिए, तो वो अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना और सिर्फ इतना कि अगर अगली बार से आपका किसी भी कारण से पढ़ाई से मन भटक रहा हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो, अपने आप को सिर्फ एक बात कहिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बस देख लेता, ऐसे भी देख लेता हूँ बस, अगर जाके नहीं देखना है तो बस देख लेता हूँ, और देखिए कैसा मैजिक होता है आपके साथ। सो दिस वॉज प्रोफेसर वेद फ्रॉम CCAT.in, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।